भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। नम आंखों से दी गई शहीदों को श्रद्धांजलि, युवाओं ने कहा देश हमेशा ऋणी रहेगा। जिले के अलग अलग स्थानों पर रविवार को श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर पुलवामा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी शहादत को याद किया गया। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करने के साथ ही कैंडल जुलूस निकाला गया। 14 फरवरी 2021 को काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर भदोही के रोवर्स रेंजर्स के छात्र छात्राओं द्वारा भारतीय सेना के पुलवामा आतंकी हमले में शहीद 44 जवानों को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन प्रोफेसर कॉलोनी ज्ञानपुर भदोही में किया गया। रोवर्स प्रभारी डॉक्टर रविंद्र कुमार ने कार्यक्रम का आयोजन करते हुए छात्रों के साथ शहीद जवानों की स्मृति में पौधारोपण किया। तत्पश्चात मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन धारण करते हुए सभी शहीद जवानों को उनकी शहादत पर सैल्यूट किया। रोवर्स प्रभारी ने कहा कि आज पाश्चात्य देश 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, लेकिन भारत ने इसी दिन अपने वीर सपूतों को खोया है, इसलिए हमने आज वैलेंटाइन डे नहीं मनाकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा है। उन्होंने कहा कि पुलवामा में CRPF कर्मियों पर हमला घृणित है। हम इस हमले की निंदा करते हैं। हमारे बहादुर सुरक्षा कर्मियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। श्रद्धांजलि देने वाले छात्रों में राखी मौर्य, कोमल मौर्य, अमित कनौजिया, विशाल मौर्य, विकास यादव, अजीत यादव, धर्मेंद्र प्रजापति, अजय यादव और रोहित यादव आदि रहे। अभोली ब्लॉक के दानूपुर बाजार में लोकतंत्र रक्षक सेनानी कल्लू सिंह राजपूत के आवास पर श्रद्धांजलि सभा कर पुलवामा में शहीद जवानों को याद किया गया। इसके बाद अभिषेक सिंह की अगुवाई में कैंडल मार्च शहीद झूरी सिंह स्मारक से दानूपुर बाजार तक निकाला गया। युवाओं ने कहा कि पुलवामा में शहीद हुए जवानों की इस अपूरणीय क्षति को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। इस मौके पूर्व सैनिक कालीचरण सिंह, श्रीनाथ सिंह, कल्लू सिंह, संतोष सिंह, निरंजन सिंह, राजकुमार बिंद, DM बिंद, रणविजय प्रताप सिंह, धीरज सिंह, सुनील सिंह, सुबेदार बिंद, कप्तान बिंद आदि उपस्थित रहे। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।